बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बच्चे आप सब खैरियत से होंगे। तो हम लोग चैप्टर नंबर 16 कर रहे थे अल्टरनेटिंग करंट। उसमें हम लोगों ने करंट थ्रू रेजिस्टर, अल्टरनेटिंग करंट थ्रू कैपेसिटर और इंडक्टर देख लिया था। तो इंडक्टर के टॉपिक के लास्ट का कुछ एक हिस्सा मैंने कल नीचा किया, वो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर हम अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो बच्चे जो हमारे नीता किया टॉपिक या उसको नहीं था देखा, वो ये था कि भाई पावर डेसिपेशन इन इंडक्टर, कि इंडक्टर के अंदर से जो पावर जो है वो हमारी कैसे डेसिपेट होती है, ठीक है, या ठीक है चलती है पावर डेसिपेशन, ठीक है, कि पावर लॉस कैसे होती है। क्योंकि आपको पता है कि अल्टरनेटिंग करंट्स के अंदर या करंट के अंदर जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी हो और करंट भी हो, उसमें पावर हम काउंट करते हैं कि पी इज इक्वल्स टू वी आई। हम लोग ये देखते हैं कि हमारी पावर जो है क्या, फिर आमतौर पर होता है क्या है कि पावर इंडक्टर्स के अंदर किसी किस्म की पावर लॉस नहीं होती, ठीक है। ये रेजिस्ट तो करती है, करंट को रोकती है, हमने पढ़ा था। ये रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर है या रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर है, ठीक है। लेकिन आपने लफ्ज़ ये है कि बेटा हमने रिएक्टेंस कहा था, हमने रेजिस्टेंस नहीं था कहा। बताइए कि रेजिस्टेंस के अंदर तो हमारी पावर लॉस होती है, लेकिन जो रिएक्टेंसेज हैं आपकी, जो कैपेसिटर की रिएक्टेंस है या इंडक्टर की रिएक्टेंस है, कहता है इसमें किसी किस्म की कोई पावर लॉस नहीं होती। क्योंकि पावर लॉस के लिए आपने फर्स्ट में पढ़ा था कि बेसिकली होता क्या है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट का इन फेज होना या सेम फेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कहता है कि अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की थोड़ा सा अगर एनालाइज करें कि हमारे पास अगर एक अल्टरनेटिंग करंट है, तो कहता है गौर करो जो पहला क्वार्टर है उसमें जो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस वी और आई दोनों क्या होते हैं, दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो जब ये दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि आप एनर्जी दे रहे हो, आप इंडक्टर को एनर्जी दे रहे हो, तो वहां पर तो लॉस होने से रही। अब कहते हैं जब सेकंड क्वार्टर आता है इसका हमारा, जब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, और बेटे आपका जो करंट है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो फिर कहता है कि फिर पावर हमारी नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। पावर हमारी क्या हो जाती है, वो नेगेटिव हो जाती है। एंड एनर्जी इज रिटर्न, मतलब ये नहीं कि हम देते नहीं, हम एनर्जी बच्चे दे रहे होते हैं। पहले क्वार्टर के अंदर एनर्जी हम उसको दे रहे होते हैं और सेकेंड क्वार्टर के अंदर वो एनर्जी में वापस दे रहा होता है, रिटर्न कर रहा होता है। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल हमारे पास किसी किस्म की पहले क्वार्टर दोनों हाफ के अंदर, मतलब हाफ पहले क्वार्टर के अंदर, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर भी हम पहले क्वार्टर के अंदर हम एनर्जी देते हैं, अगले क्वार्टर में हम एनर्जी ले लेते हैं। तो कहते हैं जो थर्ड क्वार्टर है उसमें अगेन हम उसको एनर्जी दे रहे होते हैं, ठीक है, क्या कह रहे होते हैं, एनर्जी दे रहे होते हैं। लेकिन कहता है कि फोर्थ क्वार्टर के अंदर फिर हमें वो वापस रिटर्न कर देता है। तो कहता है इस अगर हम देखें कि हमने दी फिर ले ली, फिर दी फिर ले ली उसने वापस, तो कहता है अगर हम नेट चेंज देखें तो एनर्जी का किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा होता, वो कॉन्स्टेंट की कॉन्स्टेंट रहती है, ठीक है, वो चेंज नहीं होती। तो इस वजह से कहता है कि भी आपका जो इंडक्टिंग कॉयल है वो किसी किस्म की कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं करता, ठीक है, वो यूज़ ही नहीं करता कॉइल के अंदर किसी किस्म की कोई भी एनर्जी। तो अब जब एनर्जी यूज़ नहीं करता तो इसका मतलब है बेटे कि आपकी पावर लॉस ही नहीं हो रही, तो वो विदाउट पावर जो है आपकी क्या कर देता है, रेजिस्ट कर देता है या करंट को रोक देता है, ठीक है। तो कहता है कि भाई आमतौर पर हम जो अल्टरनेटिंग करंट है इंडक्टर में, कहता है कि सिंस एन इंडक्टर कॉइल डज नॉट कंज्यूम एनर्जी, द कॉइल इज़ यूज फॉर कंट्रोलिंग अल्टरनेटिंग करंट विदाउट द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। कहता है लेकिन ये क्या करता है, ये रोक भी लेता है और ये कंट्रोल भी करता है अल्टरनेटिंग करंट को, लेकिन किसी किस्म की एनर्जी को लॉस करवाए बगैर। तो कहता है ऐसी ही डिवाइस को हम लोग क्या है, चोक का नाम भी दे देते हैं, ठीक है। तो जो इंडक्टेंस कॉइल होती है उनको हम इलेक्ट्रिकल चोक भी कहते हैं, मोटरसाइकिल वाली चोक नहीं, ये इंडक्टिव चोक कह देते हैं इसको, क्योंकि पावर लॉस नहीं करता और क्या करता है, करंट की सप्लाई को कंट्रोल भी करता है और रोक भी देता है। तो हमें कुछ जनरल चीज़ें पता चली जो पिछले में का उसको हम समराइज़ किए, वो ये था कि इंडक्टर या इसको हम चोक भी कह देते हैं, कहता है वो डिवाइस है जो डायरेक्ट करंट तो अपने अंदर से गुजरने देती है बेटे, अल्टरनेटिंग करंट को गुजरने नहीं देती, वो अपोज कर देती है। दूसरी तरफ जो हमारा कैपेसिटर था वो ऐसी डिवाइस है जो बेटा अल्टरनेटिंग करंट को गुजरने देता था लेकिन डायरेक्ट करंट को गुजरने नहीं देता। और ये दोनों डिवाइसेज बेटे ऐसी हैं कि जो क्या करती हैं, करंट को कंट्रोल करने में यूज होती हैं, लेकिन इन दोनों में पावर लॉस नहीं होता है। इसी वजह से हम लोगों ने जो कल देखा था वो देखा था बेटा रिएक्टेंस के, रिएक्टेंस का यूनिट जो था वो कैपेसिटर और रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर देखा था, और दोनों के यूनिट जो ओम ही थे जो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। सिर्फ फर्क ये होता है कि इनमें पावर डेसिपेट नहीं होती, पावर ज़ाया या एनर्जी लॉस नहीं होते। तो जो आज का नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो बेटा हम देखेंगे इम्पीडेंस का। अब ये मैंने क्यों रिपीट किया, क्योंकि रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर सॉरी कैपेसिटर, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर ये और इम्पीडेंस, ये तकरीबन एक ही चीज़ है। तो अक्सर इम्पीडेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, तो ये इम्पीडेंस है क्या चीज़, हम ये देखेंगे। तो ज़्यादातर अल्टरनेटिंग करंट के अंदर हम रेजिस्टेंस की जगह रिएक्टेंस जो है कैपेसिटर की भी, इंडक्टर की, रेजिस्टर और ये इम्पीडेंस का लफ्ज़ ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हम देखेंगे कि इम्पीडेंस क्या चीज़ है।
तो इम्पीडेंस भी असल में रेजिस्टेंस ही है। कहता था मेजर ऑफ अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस इन एन अल्टरनेटिंग सर्किट, ठीक है, कि जो एसी सर्किट के अंदर जो टोटल ओवरऑल सारी की सारी ओपोजिशन है या सारी की सारी रेजिस्टेंस कुल मिला के उसको हम इम्पीडेंस का नाम दे देते हैं। तो फिर आपके जहन में सर इम्पीडेंस हो आया तो रेजिस्टेंस भी तो यही चीज़ है, तो रेजिस्टेंस इम्पीडेंस और रिएक्टेंस क्यों? तो बेसिकली आपको भी मैंने पीछे वर्क बता दिया रिएक्टेंस का, और ठीक है ये इंडक्टर और कैपेसिटर में क्या है कि रेजिस्टर जो आपका लगा होता है इसमें बेटे पावर लॉस हो जाती है, एनर्जी ज़ाया होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है, लेकिन इंडक्टर के अंदर और कैपेसिटर के अंदर एनर्जी ज़ाया नहीं होती, लेकिन ये फिर भी रेजिस्ट कर देता है, मतलब करंट को रोक देता है, कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। तो कहता है जब इन तीनों की रेजिस्टेंस को हम ऐड करें, ठीक है, असल में तो है तीनों के तीनों रेजिस्टेंस, तो कहता है ऐसी सर्किट जो है उसमें क्या होता है कि तीनों लगे होते हैं, जिस तरह भी आपने सर्किट देख रहे हो, कहता है रेजिस्टर भी लगा हुआ है, इंडक्टर भी लगा हुआ है और कैपेसिटर भी लगा हुआ है। अब कैपेसिटर की भी रिएक्टेंस है, इंडक्टर की भी रिएक्टेंस है, लेकिन रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कहेंगे हम, क्योंकि इधर पावर लॉस होती है। तो कहते हैं आमतौर पर जो हमारे पास अल्टरनेटिंग सर्किट्स होते हैं वो इन तीनों का कम्बिनेशन होते हैं, उधर हम लोगों ने ये तीनों के लगाए होते हैं। इसका मतलब है कुछ करंट अपोज कैपेसिटर करेगा, कुछ करंट को अपोज इंडक्टर करेगा और रेजिस्टर भी करेगा। तो कहता है इम्पीडेंस असल में इन तीनों की रेजिस्टेंस इफेक्ट को, जो अपोजिशन इफेक्ट है तीनों का, उसको जमा कर लो, एड अप कर दो, तो इनका जो कंबाइंड इफेक्ट है, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंसेस, ठीक है, इन सच अ सर्किट, इन दीज सर्किट्स, जैसे आप कहते हैं कि रेजिस्टेंस एक्स सी रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर कहता है, और रेजिस्टेंस, तो ये कहता है द रेजिस्ट कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंसेस इन इज नोन एज इम्पीडेंस। कहता हम इन तीन को जो कंप्लीट ओवरऑल मेजर ऑफ अपोजिशन है, किसको? फ्लो ऑफ चार्जेस को, कि फ्लो ऑफ चार्ज को रोक देते हैं, जो पूरा मिला के रिएक्टेंसेस को भी मिला लें और रेजिस्टेंस को भी मिला लें, उसको हम क्या कह देते हैं? इम्पीडेंस, ठीक है। और इम्पीडेंस को कहता है जो डोनेट किया जाता है बेटा, डिनोट किया जाता है वो जेड के साथ किया जाता है, और यूनिट इसका भी ओहम ही है, क्योंकि रेजिस्टेंस का यूनिट भी ओहम, रिएक्टेंसेस का भी यूनिट ओहम, तो इम्पीडेंस भी उन सबको जब जमा कर लो तो क्या है, उसका भी ओहम ही है। बेसिकली ये सिर्फ हालत मुख्तलिफ है, ठीक है, कि कंडीशन इसकी मुख्तलिफ है, लेकिन है ये क्या है बेटा, आपकी वो रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है कि हम इसको मेजर कैसे करते हैं, आमतौर पे जो इसकी रेशियो है वो रूट मीन स्केयर है, कि वोल्टेज रूट मीन स्केयर है, वो उसको डिवाइड कर दो रूट मीन स्केयर करंट के ऊपर, ओवरऑल पूरे सर्किट की बात करता है। ऐसा सर्किट जिसके अंदर रेजिस्टेंस भी लगी हो, इंडक्टर भी लगा हो और कैपेसिटर भी लगा हो, उसकी जो ओवरऑल जो हमारे पास इम्पिडेंस, उसको ऐड कर लेंगे, कंबाइंड इफेक्ट करेंगे, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वो हमारी क्या होगी? इम्पिडेंस होगी। और ये कहता है कि जो रूट मीन स्केयर वोल्टेज हम दे रहे हैं वो, और जितना रूट मीन स्केयर करंट उसमें से फ्लो कर रहा है पूरे सर्किट में से, पोटेंशियल डिफरेंस को उस पर डिवाइड कर दो, तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो बेसिकली इम्पिडेंस होगी या अपोजिशन होगी तीनों की, जिसमें रेक्टेंसेज भी इंक्लूड होंगे और रेजिस्टेंस भी इंक्लूड होंगे। तो आज ये छोटा सा हमारा टॉपिक था, नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम लोग जो उनसे ना, जिस तरह हम लोगों ने पहले अल्टरनेटिंग सर्किट्स के अंदर अलग अलग रेजिस्टर देखा, इंडक्टर देखा, कैपेसिटर देखा, नेक्स्ट हम कम्बिनेशन देखेंगे, मतलब रेजिस्टेंस और इंडक्टर को अगर इकट्ठा लगाएं तब बिहेवियर कैसा होता है अल्टरनेटिंग करंट का, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को लगा दें तब बिहेवियर क्या होता है, ठीक है, और इंडक्टर और कैपेसिटर को अगर सर्किट में लगा दें तो उसका बिहेवियर क्या होता है, ये इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज का ये छोटा सा टॉपिक था, ये सिर्फ इसको इसलिए करवाया ताकि आपके वो जो चीज़ें पीछे कंबाइन हैं उसको कर लिया जाए, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं, तो एक बार उनको रिवाइज़ कर लेना सारे को, इस इंपीडेंस को भी देख लेना, रिएक्टेंसेस को भी देख लेना, क्योंकि नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे उसमें सारा कुछ इकट्ठा ही यूज़ हो रहा होगा उसमें, क्योंकि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों लगे होंगे, तो वहाँ पर हम लफ्ज रेजिस्टेंस का यूज़ नहीं करेंगे बल्कि इंपीडेंस का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो इसलिए आपको मैंने शॉर्ट रखते हुए समझाने की कोशिश की कि इंपीडेंस क्या चीज़ है, असल में टोटल अपोजिशन है टोटल जो, ठीक है, और रेजिस्टेंस जो कैपेसिटर की है उसको रिएक्टेंस क्यों बोलते हैं वो भी आपको बता दिया कि उसमें पावर लॉस नहीं होती, रेजिस्टर के अंदर पावर लॉस हो जाती है, इस वजह से हम लोग इसको रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। ओके बच्चे, ये तो आज का लेक्चर था, ठीक है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम चैप्टर नंबर 16 करेंगे। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।